अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। अजीज तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आज हम माहौलियाती मुताला यानी ईवीएस क्लास फिफ्थ से, जो कि यह हमारा पार्ट थ्री है, आज हम जमाते पंजुम से सिक्स्थ लेसन, हमारा जिसम अंदरूनी अजुई निजाम, हमारा जिसम अंदरूनी अजुई निजाम, अवर बॉडी इट्स इंटरनल ऑर्गन सिस्टम के ताल्लुक से आज हम मुकम्मल अहम नुकात को यहां पर देखेंगे। और ये वीडियो बहुत ही अहम है, आप जरूरी इसे मुकम्मल तौर पर देखें ताकि कोई भी अहम नुक्ता, कोई भी अहम पॉइंट यहां से मिस ना हो सके। तो चलिए हम आज की क्लास का आगाज करते हैं और इस वीडियो के आखिर में हम आपकी जांच के लिए चंद सवालात भी यहां पर पेश करेंगे ताकि आप अपनी जांच कर सकें। तो चलिए अब हम सबक की जानिब चलते हैं। हमारा जिस्म अंदरूनी अजुई निजाम, हमारा जिस्म अंदरूनी अजुई निजाम, सबसे पहले हम देखेंगे तनफुसी निजाम। तनफुसी निजाम के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? नाक, हवाई नाली और फेफड़े तनफुसी निजाम के अहम आजा हैं। नाक, हवाई नाली और फेफड़े तनफुसी निजाम के अहम आजा हैं। इस तरह से यहां पर एक तस्वीर मौजूद है, देखिए यहां पर ये नाक है और ये यहां पर सांस की नाली है और ये फेफड़े हैं, जिसे शुष्क भी कहा जाता है। तो नाक, हवाई नाली और फेफड़े तनफुसी निजाम के अहम आजा हैं। आगे हम देखेंगे, हवाई नाली दो शाखों में तकसीम होकर फेफड़ों में खुलती है। देखिए यहां पर यह हवाई नाली, यहां पर दो शाखें यहां पर अलग अलग हो गई है और दोनों फेफड़ों में ये खुल रही है। हवाई नाली दो शाखों में तकसीम होकर फेफड़ों में खुलती है। नाक के नथनों में मौजूद रुतुबत और बाल धूल वगैरह को जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं, यानी नाक में जो रुतुबत और बाल होते हैं वो धूल वगैरह को जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं। फेफड़ों में कई छोटी छोटी हवाई थैलियां पाई जाती हैं। फेफड़ों में कई छोटी छोटी हवाई थैलियां पाई जाती हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले में मदद देते हैं। यानी ये हवाई थैलियां फेफड़ों के अंदर मौजूद होती हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले में मदद देते हैं। इस तरह हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, यही हवाई थैलियां अपना काम अंजाम देती हैं। इन हवाई खानों की दीवारों में कई खून की बारीक नालियां कैपिलरीज पाई जाती हैं। इन हवाई खानों की दीवारों में कई खून की बारीक नालियां कैपिलरीज पाई जाती हैं। आगे देखेंगे, फेफड़ों से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को पल्मोनोलॉजिस्ट यानी माहिर शुष्क कहा जाता है। फेफड़ों से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को पल्मोनोलॉजिस्ट यानी माहिर शुष्क कहा जाता है। योगा और मुराकबा में तनफुसी अमल पर खास तवज्जो दी जाती है। योगा और मुराकबा में तनफुसी अमल पर खास तवज्जो दी जाती है, यानी अब जब हम योगा करते हैं या मुराकबा करते हैं तो हम सांस पर कंट्रोल करते हैं। दिल, अब हम दिल के ताल्लुक से यानी हार्ट के ताल्लुक से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। यह है दिल की शक्ल, यहां पर मौजूद है। जिस्म के तमाम हिस्सों को दिल खून सरबराह करता है। जिस्म के तमाम हिस्सों को दिल खून फरहाम करता है, यानी दिल के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पंप किया जाता है। खून जिस्म के हर हिस्से तक हजम शुदा गिजा और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। खून काम यह है कि जिस्म के हर हिस्से तक हजम शुदा गिजा और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। खून हमारी जिस्मानी हरारत को काबू में रखने, बीमारियां फैलाने वाले जरासीम से मुकाबला करने में कारामद होता है। खून हमारी जिस्मानी हरारत को काबू में रखने, बीमारियां फैलाने वाले जरासीम से मुकाबला करने में कारामद होता है। खून में
ज्यादातर हिस्सा प्लाज्मा नामी सयाल का होता है। खून में ज्यादातर हिस्सा प्लाज्मा नामी सयाल का होता है। तीन किस्म के खलिये होते हैं, सुर्ख जसीमे, सफेद जसीमे, खून की तख्तियां, ब्लड प्लेट्स। इस तरीके से ये खून के तीन किस्म के खलिये यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम ये देखेंगे, ये दौरान खून का निजाम है। इस तरह से ये तमाम खून की नालियां यहाँ पर मौजूद हैं और दिल से खून पंप होने के बाद तमाम जिस्म को यहाँ पर पहुंचता है इन नालियों के जरिए। आगे हम देखेंगे, खून के सुर्ख जसीमे हमारे जिस्म के तमाम खलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, यानी ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम खून के सुर्ख जसीमे करते हैं। खून के सुर्ख जसीमे हमारे जिस्म के तमाम खलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। खून के सफेद जसीमे बीमारी पैदा करने वाले जरासीम से मुकाबला करने में मदद देते हैं। खून के सफेद जसीमे बीमारी पैदा करने वाले जरासीम से मुकाबला करने में मदद देते हैं। सफेद जसीमों को इसलिए पुलिसमैन, जिस्म का पुलिसमैन या खाकरूप कहा जाता है। खून की तख्तियां खून को मंजमद होने में मदद देती है, यानी खून की तख्तियां खून को जमा होने में मदद देती है। खून की तख्तियां खून को मंजमद होने में मदद देती है। दिल से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दिल से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आगे देखेंगे हम, इस तरीके से ये यहाँ पर एक दिल की शक्ल मौजूद है, मुट्ठी की जसामत के बराबर होता है। दिल का दो तिहाई हिस्सा सीने की बाईं जानिब और एक तिहाई हिस्सा दाईं जानिब होता है। हर इंसान का दिल इसकी मुट्ठी की जसामत के बराबर होता है। दिल का दो तिहाई हिस्सा यानी दो बटा हुआ तीन हिस्सा सीने की बाईं जानिब यानी लेफ्ट साइड और एक तिहाई हिस्सा दाईं जानिब यानी राइट साइड होता है। दिल खून को हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को पंप करता है, यानी दिल जिस्म के तमाम हिस्सों को खून को पंप करता है। मूंगफली और तिल के लड्डू, अंडे, पत्ते वाली तरकारियों के खाने से माकूल मकदार में खून बनता है। मूंगफली, तिल के लड्डू, अंडे, पत्ते वाली तरकारियों के खाने से माकूल मकदार में खून बनता है। कालबदी निजाम, कालबदी निजाम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम कालबदी निजाम क्या है अब हम देखेंगे। यहां पर यह तस्वीर मौजूद है, देखिए इसे कहते हैं कालबदी निजाम इंसानी जिस्म का। यहां पर तमाम हड्डियों को बताया गया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि कालबदी निजाम स्केलेटल सिस्टम, कालबदी निजाम स्केलेटल सिस्टम यहां पर हड्डियों पर मुश्तमिल होता है और ये जिस्म को शक्ल और सहारा देता है। कालबदी निजाम यहां पर ये खोपड़ी बताया गया है और ये रीढ़ की हड्डी को यहां पर बताया गया है और ये फसलियां हैं यहां पर, जिसमें हमारे जिस्म के अंदरूनी आजा, फेफड़े, दिल वगैरह महफूज रहते हैं। आगे देखेंगे हम, कालबदी निजाम के तालुक से यहां पर मालूमात हासिल करेंगे। कालबदी निजाम में मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां होती है, कालबदी निजाम में मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां होती हैं। हमारे जिस्म में कुल 206 हड्डियां होती है, यानी इंसानी जिस्म में जुमला 206 हड्डियां होती है। पैदाइश के वक्त ये हड्डियां ज्यादा होती है, लेकिन जब इंसान एक नॉर्मल उम्र हो जाती है तब इंसानी जिस्म में कुल 206 हड्डियां होती है। कालबदी निजाम हमारे जिस्म को शक्ल और सहारा देता है, सर में मौजूद हड्डियों के ढांचे को खोपड़ी कहते हैं, ये दिमाग की हिफाजत करती है। सर में मौजूद हड्डियों के ढांचे को खोपड़ी कहते हैं, ये दिमाग की हिफाजत करती है। रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेकर कमर तक छोटे छोटे 33 हड्डियों पर मुश्तमिल होती है। रीढ़ की हड्डी जिस्म को सीधे ठहरने में मदद देती है, इसमें नखाई डोर गुजरती है। हमारे जिस्म को धूप लगने से विटामिन डी हासिल होता है,
हमारे जिस्म को धूप लगने से विटामिन डी हासिल होता है। हड्डियों से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को आर्थोपेडिक कहते हैं। हड्डियों से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को आर्थोपेडिक कहते हैं। हजमी निजाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हजमी निजाम के तौर से अब हम मालूमात हासिल करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए इंसानी हजमी निजाम की तस्वीर यहां पर मौजूद है। आपको यहां पर मुख्तलिफ आजा नजर आ रहे हैं। देखिए ये मुंह है और ये है हजमी नाली। मुंह से यहां पर ये हजमी नाली है और ये मैदा है और ये बड़ी आंत, इसके बाद ये अंदर जो मौजूद है ये छोटी आंत, और ये है माए मुस्तकीम। यहां पर ये है माए मुस्तकीम और ये है मेब्रस। इस तरीके से इन तमाम आजा पर हजमी निजाम मुश्तमिल होता है, यानी जो हम गिजा खाते हैं मुंह के जरिए, फिर ये हजमी नाली में दाखिल होती है, उसके बाद फिर मैदे में, मैदे से होते हुए बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, फिर इसके बाद माए मुस्तकीम और मेब्रस से फुजले की शक्ल में नाकारा जो अशिया रहती है वो खारिज हो जाती है। इस तरह से ये है हजमी निजाम। अब हम हजमी निजाम के तालुक से मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे कि गिजा मैदे में कितनी देर रहती है और कितना वक्त लगता है हजम होने के लिए, ये तमाम चीजें अब हम सीखेंगे यहां पर। हजमी निजाम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डॉक्टर बीमोंट ने मार्टिन के पेट में तकरीबन 9 साल तहकीक की। डॉक्टर बीमोंट यानी एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर बीमोंट ने मार्टिन जो कि एक शख्स था, उसको पेट में गोली लगने की वजह से उसके अंदर के आजा नजर आते थे, जिसको डॉक्टर बीमोंट ने तकरीबन 9 साल उस पर तहकीक किया। पेट के अंदर तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड जिस्मानी हरारत होती है। पेट के अंदर तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड जिस्मानी हरारत होती है। डॉक्टर बीमोंट का मुशाहदाती जदवल। अब डॉक्टर बीमोंट ने मार्टिन के पेट का मुशाहिदा किया और एक जदवल यहां पर तैयार किया। गजाई अशिया हजम होने के लिए दरकार वक्त पेट में और हजमी रस वाले गिलास में, यानी पेट के अंदर मैदे में हजमी रस पाया जाता है, उस हजमी रस को डॉक्टर बीमोंट ने बाहर निकाला मार्टिन के पेट से और पेट में हजमी रस वाले गिलास में, यानी डॉक्टर बीमोंट ने मार्टिन के पेट से थोड़ा सा हजमी रस को बाहर निकाला और यहां पर वो मुशाहिदा कर रहा है पेट में और हजमी रस वाले गिलास में होता है। यानी कच्चा दूध पेट में यानी मैदे में जो माया पाया जाता है उसमें 2 घंटे तक 15 मिनट में वो हल होता है, जबकि हजमी रस, वही हजमी रस जो कि बाहर ग्लास में मौजूद है, वहां पर 4 घंटे तक, 4 घंटे 45 मिनट में हजम होता है। गर्म किया हुआ दूध यहां पर पेट में हजम होने के लिए 2 घंटे और बाहर हजमी ग्लास में हजम होने के लिए 4 घंटे तक 15 मिनट। उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट पेट में तो ग्लास में इसके लिए 8 घंटे का वक्त लगता है। नीम उबला हुआ अंडा, इस तरह से यहां पर ये 3 घंटे तो यहां पर 76 घंटे 30 मिनट। फेंटा हुआ कच्चा अंडा पेट में 2 घंटे तो हजमी रस वाले गिलास में 4 घंटे 15 मिनट का वक्त लगता है हजम होने के लिए। बगैर फेंटा हुआ कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट और यहां हजमी रस वाले गिलास में इसके लिए 4 घंटे। इस तरीके से ये डॉक्टर का बीमोंट का मुशाहदाती जदवल है, ये बहुत ही अहम है, इससे कोई एक सवाल आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे देखेंगे हम। हजमी रस के रास को डॉक्टर बीमोंट ने सबसे पहले दरियाफ्त किया। हजमी रस के रास को डॉक्टर बीमोंट ने सबसे पहले दरियाफ्त किया जो कि मैदे में पाया जाता है। हजमी रस वो होता है हाइड्रोक्लोरिक तुरशा। जिस्म के बाहर की बनिस्बत गिजा पेट के अंदर ही जल्द हजम होती है। अभी आपने देखा कि गिजा पेट के अंदर बहुत जल्द हजम होती है बनिस्बत बाहर के। डॉक्टर बीमोंट ने मालूम किया कि जब मार्टिन मायूस था तो गिजा को हजम होने में ज्यादा वक्त लगा, यानी अगर मार्टिन जो शख्स था अगर वो मायूस हो तो गिजा को हजम होने पर ज्यादा वक्त लगता है। इसी तरह इंसान भी अगर मायूस हो तो गिजा को हजम होने में ज्यादा वक्त लगता है। डॉक्टर बीमोंट ने मालूम किया कि पेट के अंदर मौजूद हजमी रस तुरशई खासियत के होते हैं। अभी मैंने आपको कहा था
कि जो हजमी रस होता है वो आइंदा की क्लास में आप पढ़ेंगे कि वो हाइड्रोक्लोरिक तुरशा होता है। डॉक्टर बीमन ने मालूम किया कि पेट के अंदर मौजूद हजमी रस तुरशाई खासियत के होते हैं। क्या होगा जब हम टमाटर खाएंगे, क्या होगा जब हम टमाटर खाएंगे, देखेंगे इस तरीके से। यहां पर एक तस्वीर मौजूद है, टमाटर किन किन शक्लों में तब्दील होता है जब वो हमारे मुंह से होते हुए मेदे में, छोटी आंत और बड़ी आंत में दाखिल होता है, तो यहां पर वो बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है यहां पर, गिजा मुंह में मौजूद लुआब दहन से मिलने के लिए 5-30 सेकंड का वक्त लगता है। गिजा को मुंह में मौजूद जो लुआब होता है उससे मिलने के लिए 5-30 सेकंड का वक्त लगता है। दूसरा पॉइंट है, गिजाई नाली मुरी यानी गिजाई नाली को यहां पर मुरी कहा जाता है। गिजाई नाली यानी मुरी के जरिए पेट में दाखिल होने के लिए 10-15 सेकंड का वक्त लगता है। यानी गिजा मुंह से जब मुरी में दाखिल होती है तो उसे मेदे में पहुंचने के लिए 10-15 सेकंड का वक्त लगता है। 10-15 सेकंड का वक्त लगता है गिजाई नाली मुरी के जरिए पेट में दाखिल होने के लिए। पेट में गिजा मजीद तहलील होती है और हजमी रस से मिलती है, यानी मेदे में गिजा हजमी रस जो कि हाइड्रोक्लोरिक तुरशा होता है उससे मिलती है। इसके लिए मिलने के लिए तहलील होने के लिए 3-5 घंटे यहां पर दरकार होते हैं। 3-5 घंटे इसे लगते हैं पेट में गिजा मजीद तहलील होने के लिए। मेदे से गिजा छोटी आंत में पहुंचती है, छोटी आंत में हजम शुदा गिजा खून में मिलने के काबिल रस बन जाती है। इसके लिए छोटी आंत में 3-4 घंटे लगते हैं। छोटी आंत में गिजा को खून बनने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं यहां पर। इस तरीके से गिजा के ये हाजमे का अमल के लिए कितना वक्त लगता है यहां पर बताया गया है। आगे हम देखेंगे इखराजी निजाम। इखराजी निजाम के ताल्लुक से आज हम मालूमात हासिल करेंगे। इखराजी निजाम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इखराजी निजाम क्या है, यहां पर तस्वीर देखिए। इखराजी निजाम के अहम जो है अजू, इखराजी निजाम के अहम अजू गुर्दे, बोली नालियां और मसाना है। इस तरीके से ये है इंसानी जिस्म में गुर्दे कहां पर पाए जाते हैं यहां पर बताया गया है। ये दो यहां पर दो गुर्दे हैं और ये मसाना है और ये यहां पर इस तरीके से ये बोली नालियां हैं यहां पर। हमारे जिस्म में कई हयाती अमल मुसलसल जारी रहते हैं, जैसा कि दिल का धड़कना या खून की तख्तीर का अमल। ये हयाती अमल जो कि मुसलसल जारी रहते हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के फासिद मादे खारिज होते हैं। फासिद मादे यानी खराब मादे जिस्म से खारिज होते रहते हैं। हमारे जिस्म में कमर के पीछे हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब दो गुर्दे पाए जाते हैं। हमारे जिस्म में कमर के पीछे हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब दो गुर्दे पाए जाते हैं। गुर्दे खून की तख्तीर करके नाकारा मादों को अलग करते हैं। गुर्दे खून की तख्तीर करके यानी खून को साफ करके नाकारा मादों को अलग करते हैं। ये नाकारा मादे पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। जिल्द भी एक इखराजी अजू है। जिस तरह से गुर्दे एक इखराजी अजू है, इसी तरह से जिल्द भी एक इखराजी अजू है। जिल्द पसीने की शक्ल में फासिद मादों को जिस्म से बाहर खारिज करता है। यानी जिल्द जो है वो जिस्म से बेकार मादों को पसीने की शक्ल में बाहर खारिज करती है। बोली नाली यानी बोली नालियां या बोली निजाम किडनी सिस्टम से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। बोली निजाम या किडनी सिस्टम से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। असबी निजाम, नर्वस सिस्टम के ताल्लुक से देखेंगे आप। यहां पर देखिए असबी निजाम यानी तमाम आसाब से ताल्लुक रखता है ये। यहां देखिए ये आसाब पूरे हमारे जिस्म से, ये जो रगे हैं या आसाब हैं, ये यहां पर मेन है दिमाग, रीढ़ की हड्डी और आसाब। ये असबी निजाम के अहम हिस्से हैं, दिमाग, रीढ़ की हड्डी और आसाब।
अस्बी निजाम का अहम मरकज है यहां पर दमा। आगे देखेंगे अब हम, हमारे जिस्म के हर हिस्से में आसाब होते हैं, ये हिस्सी आजा से हासिल करदा मालूमात को दिमाग तक पहुंचाते हैं। हमारे जिस्म के हर हिस्से में आसाब होते हैं, ये हिस्सी आजा से हासिल करदा मालूमात को दिमाग तक पहुंचाते हैं। दिमाग इन एहसासात यानी मालूमात भी कहते हैं का तजिया करके आसाब के जरिए जिस्मानी आजा को हिदायत फराहम करता है। यानी अगर हम अगर हमारे पैर में कांटा छुप जाए तो हमें फौरन हमारे दिमाग को इसके बारे में मालूम हो जाता है और हम फौरी वापस से फिर दिमाग से उस अजू तक आसाब के जरिए हमको दिमाग इन एहसासात मालूमात का तजिया करके आसाब के जरिए जिस्मानी आजा को हिदायत फराहम करता है। यानी जब हमें यानी जब हमारे पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो हम फौरी पैर को वहां से हटा लेते हैं। ये तमाम आसाब और दिमाग की वजह से होता है। दिमाग आसाब से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। दिमाग आसाब से मुताल्लुक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं हमारे जिस्म के बेरूनी आजा और जिस्म के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ अजवी निजाम तमाम हयाती अमल की सही तौर पर अंजाम दही में मदद देते हैं। यानी अंदरूनी आजा और बेरूनी आजा तमाम हयाती अमल की सही तौर पर अंजाम दही में मदद देते हैं। चलिए अब हम अब तक आपने जितनी मालूमात हासिल की थी उसी की बुनियाद पर अब हम यहां पर चंद सवालात आपके लिए पेश करते हैं। पहला सवाल इस तरह है कि बोली नालियों से मुताल्लुक इलाज करने वाले डॉक्टर को कहा जाता है। बोली नालियों से मुताल्लुक इलाज करने वाले डॉक्टर को कहा जाता है। जवाब है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है किडनी सिस्टम से मुताल्लुक इलाज। दूसरा सवाल इस तरह है कि गिजा मुंह में मौजूद लुआबे दहन से मिलने के लिए दरकार वक्त गिजा का मुंह में मौजूद लुआबे दहन से मिलने के लिए दरकार वक्त कितना होता है? और इसका जवाब है 5 से 30 सेकेंड। 5 से 30 सेकेंड। नीम उबला हुआ अंडा पेट में हजम होने के लिए दरकार वक्त। नीम उबला हुआ अंडा पेट में हजम होने के लिए दरकार वक्त। और इसका जवाब है 3 घंटे। इसका जवाब है 3 घंटे। आगे हम देखेंगे तालबदी निजाम मुश्तमिल होता है। तालबदी निजाम किस पर मुश्तमिल होता है? तालबदी निजाम मुश्तमिल होता है, जवाब है हड्डियों पर। हड्डियों पर कालबदी निजाम मुश्तमिल होता है। आखिरी सवाल है आज की क्लास का, जिस्म को शक्ल और सहारा देने वाला निजाम कहलाता है। जिस्म को शक्ल और सहारा देने वाला निजाम कहलाता है, जवाब है कालबदी निजाम। इस तरह से यहां पर हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आइंदा की क्लास में हम आगे की मालूमात आपको देंगे। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।